नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे कम साइज, मतलब इसका फ्रंट का यहाँ पर जो साइज है वह है 13 और इसके यहाँ पर गहराई 40, मतलब टोटल 520 स्क्वायर फीट पर सिंगल मंजिल की यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है। और लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे छत तक यहाँ पर काम कम्प्लीट हो चुका है, वो प्लानिंग मैं आपको दिखाऊंगा। साथ साथ यहाँ पर जो बेडरूम हॉल किचन यहाँ पर बनाए गए हैं इसकी प्लानिंग के साथ साथ यहाँ पर जो साइज है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो घर बनाया गया है वहाँ पूर्व दिशा पर इस घर के यहाँ पर प्लानिंग की गई है। तो दिखाने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे कम साइज पर एक घर की बनती प्लानिंग के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सामने का फ्रंट दिया गया है यहाँ पर है 13 और इसकी यहाँ पर गहराई 40, मतलब टोटल 520 स्क्वायर फीट पर सिंगल मंजिल का यहाँ पर काम किया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर पहला कॉलम और दूसरा कॉलम, मतलब दो कॉलम यहाँ पर फ्रंट पर दिए गए हैं और जीने की प्लानिंग भी यहाँ पर से की जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अंगत की प्लानिंग की गई है, तो यहीं पर से जीना और एक बोर का पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर पानी जो फ्रंट पर यहाँ पर बोर लगाया गया है की सुविधा आप ले सकें। और एक यहाँ पर एक विंडो यहाँ पर बनाई गई है, यहाँ पर बनाया गया है किचन। और यहाँ पर जो पोर्च एरिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 13x6, इसके साइज को यहाँ पर बनाया गया है। और आप देखेंगे यहाँ पर हॉल पास दिए गए हैं ताकि जो मेन गेट है यहाँ पर लग सके। और जैसे आप यहाँ पर से आएंगे तो आपको एक पोर्च एरिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आपकी टू व्हीलर गाड़ी आप आसानी से आप यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, तो इस तरीके से यहाँ पर प्लानिंग की गई है। और जैसे आप यहाँ पर से आएंगे तो आपको एक किचन यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पर एक किचन की प्लानिंग की गई है 7x7, सबसे कम साइज पर एक किचन छोटा सा बनाया गया है ताकि जो घर की यहाँ पर प्लानिंग बनाई गई है वो सबसे कम साइज पर बनाई गई है। तो फ्रंट पर एक किचन एक विंडो यहाँ पर दी गई है और एक आपको यहाँ पर किचन फ्रंट पर बनाया गया है। तो जैसे आप यहाँ पर से आएंगे तो आपको एक हॉल यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हॉल की प्लानिंग की गई है, लगभग 6-8 यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है। किचन के जस्ट साइड में आपको एक हॉल और यहाँ पर बनाई गई है एक लेथ बाथ का जो साइज है वह 7x3.5, इसके साइज को यहाँ पर बनाया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉमन लेथ बाथ की प्लानिंग यहाँ पर की गई है और यहीं पर एक सेफ्टी टैंक यहाँ पर बनाया गया है, कॉमन लेथ बाथ बनाई गई है। और यहाँ पर आप देखेंगे डीपीसी यहाँ पर दी गई है दीवारों पर, और काम भी देखेंगे तो आप बहुत सुंदर सा यहाँ पर काम किया गया है। और जैसे आप यहाँ पर आएंगे देख सकते हैं यहाँ पर एक बेडरूम की प्लानिंग यहाँ पर की गई है और यहाँ पर भी एक विंडो दी गई है। इस बेडरूम का यहाँ पर जो साइज है 10x12, इसके साइज को यहाँ पर बनाया गया है और एक विंडो यहाँ पर भी दी गई है। और इसका यहाँ पर जो छत हाइट यहाँ पर दी जाएगी लगभग 10.5 फीट इसकी हाइट को यहाँ पर दिया जाएगा, मतलब एक बेडरूम की यहाँ पर प्लानिंग की गई है, एक लेथ बाथ की यहाँ पर प्लानिंग की गई है और एक हॉल की और एक किचन की और एक पोर्च एरिया यहाँ पर टू व्हीलर पार्किंग के लिए बनाया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे कम साइज पर प्लानिंग की गई है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।